कहते हैं जिद्दी होना अच्छी बात नहीं है। विक्रम साराभाई की जिद ने भारत को चांद पे पहुंचा दिया। धोनी की जिद ने भारत को विश्व कप जितवा दिया। अच्छा म्यूजिक बनाने की जिद ने नाटू नाटू पे पूरी दुनिया को डांस करवा दिया। जिद के बिना ना सपनों का महल थोड़ा कच्चा होता है, इसीलिए जिद्दी होना अच्छा होता है, क्योंकि जब जिद है तो जीत है। भैया भैया मैं गेट बंद करना। योर नेम? आद्या मिश्रा। आद्या मिश्रा इज यस सर। ओके ओके कम कम। हेलो। वाओ। हेलो। हेलो मैम। हेलो सर। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम आद्या मिश्रा है, मैं 17 इयर्स की हूँ और मैं फरीदाबाद से हूँ। तुम हो वो आद्या। तुम्हारा वॉइस नोट हमने सुना था, तुमने जो भेजा था मुझे ना पूरा टाइम। आई गेट दीज ऑडिशन मैसेजेस नॉन स्टॉप। हेलो मैम, पता नहीं आप मेरा ये वॉइस नोट सुनोगे भी या नहीं। मैम आई नो यहाँ ऑडिशन तो नहीं दे सकते, पर आई एम टेकिंग माई चांस। एक्चुअली आई हैव मिस्ड माई फ्लाइट टू कम फॉर द ऑडिशन एंड द नेक्स्ट फ्लाइट इज डिलेड। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू रीच ऑन टाइम, पर इन केस नहीं आ पाई इसीलिए आई एम सेंडिंग अ वॉइस नोट टू यू। अगर अच्छा लगे तो प्लीज मैम कंसिडर करना। होप टू सी यू सानुदा एंड विशाल सर सून। वाह वाह वाह, ये तो असली है, ये तो सीरियस निकला, ये तो एक्चुअली बहुत अच्छी है। अभिषा यार एक लड़की है, उसने मेरे को ना वॉइस नोट भेजा था। आद्या करके उसने कुछ लिखा होता उसमें। थोड़ा बाहर आप इन्फॉर्म करेंगे कि एटलीस्ट उसको रजिस्ट्रेशन करने दे। आई एम सो ग्लैड मैम सर आप सबने मेरा वॉइस नोट सुना। वी आर ग्लैड, आपका वॉइस नोट बहुत ही अच्छा था। अगर आप एक्चुअली वैसा गाती हो आई थिंक कोई रोक नहीं पाएगा। एग्जैक्टली, बट मेरा क्वेश्चन है आद्या, इतना बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, तुम्हारी फ्लाइट छूट कैसे गई? लास्ट मोमेंट में धक धक में पहुँचते बस वो छूट गई, और मैं ऐसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि बेस्ट ऑप्शन है मैं वॉइस नोट भेज देती हूँ। मैंने भगवान का नाम लिया और मैंने बस भेज दी। वेरी स्मार्ट, समहाउ यू मेड इट हियर, तो अब उसका पूरा इस्तेमाल करो। एग्जैक्टली, ऑल द बेस्ट, शुरू हो जाओ। चांद निगल गई हो जी, मैं चांद निगल गई दैया रे। भीतर भीतर गंग जरे, बात करूं तो सीख लगे, भीतर भीतर अंग जरे, बात करूं तो देख लगे। हमें चांद निकल गए दैया रे, अंग पे ऐसे चाल पड़े, तेज था छोका का करूं, सी सी करती मैं मरूं। जवाब पे लागा जी रे, जवाब लागा रे, नमक रिस्क का है तेरे रिस्क का। जवाब लागा रे नमक रिस्क का है तेरे रिस्क का। बलम से मांगा रे सभी छेड़े हैं मुझको, सिपहिए बाके छमिए, हाँ जी हाँ। सभी छेड़े हैं मुझको, सिपहिए बाके छमिए, उधारी देने लगे हैं गली के बनिए। कोई तो कौड़ी तो भी लुटा दे, कोई तो कौड़ी हजी थोड़ी शहद चटा दे, थोड़ी थोड़ी
रात भर छाना, रात भर छाना, छाना रे नमक इसका, है तेरे इसका जवाब का है रे तेरे इश्क का। अरे आद्या, शी इज दैट वॉइस, शी कैन किल इट। अगर उसको एक ओरिजिनल गाना दिया जाए तो मुझे लगता है इसका खुद का इतना मैच्योरिटी है सिंगिंग में। सो नेचुरल, तुम्हारे गाने में एक चीज मैंने मार्क किया कि ये टफ सॉन्ग है, इसमें तुम्हारे मुंह पे एक थोड़ा सा भी टेंशन नहीं है, एकदम हंसते हंसते गा रहे, इतना इजीली गा रहे, मतलब नेचुरल। थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त। जब आप लगा रे हाँ, ये जो गाया ना, मुझे लगता है अरे ये तो फुल सिक्सर। थैंक यू सो मच। You know, ऐसे हस्की आवाज में इतनी फाइन चीज गा देना is not easy at all. वेरी यूनिक वॉइस, और उसका जो टेक्सचर में जो क्रैक्स है ना थोड़े वॉइस में, वो लोग कोशिश करते हैं कि अरे रिकॉर्डिंग में हाउ टू ब्रिंग दैट लिटिल सेंसुअसनेस, और वो जो तुम्हारे नेचुरली गले में है, सुपर्ब। यार मेरा पांचवा, देखो लगातार पांच सीजन है, आई हैव नॉट हर्ड अ फीमेल वॉइस लाइक दिस। बोलो, कमाल है, कमाल है, ये बात है। मैं चाहती हूँ कि इस बार इंडियन आइडल एक फीमेल बने, मेरे को यार सच्ची यार, बाकी कुछ भी छूट जाए, फ्लाइट नहीं छूटनी चाहिए, और एक और चीज नहीं छूटनी चाहिए, ये नहीं Adya, I didn't want to miss this opportunity. I wanted to take the whole moment to myself. Adya, आपको अगर लगता है कि ये रोने का मौका है, आप आगे आगे देखो क्या क्या होता है. This stage is going to give you a lot. I'm बहुत बहुत overwhelmed हूँ. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे आज गोल्डन माइक मिल रहा है यहाँ तक आके, एंड एक वॉइस नोट अगर आप वो नहीं सुनते मेरा तो शायद मैं यहाँ होती भी नहीं, तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मैम, मेरी एक रिक्वेस्ट है छोटी सी। हाँ बोलो। आपका एक सॉन्ग है बनारसिया, वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, और मैं आपके लिए सिर्फ प्रिपेयर करके आई हूँ, तो आप मेरे साथ प्लीज गाएंगे प्लीज। अरे गाना मुझे इतना याद नहीं, कुछ तो गाती हूँ, चलो देख तुम ही गाओ, मैं थोड़ा साथ साथ में गाती हूँ। बनारसिया हर बनारसिया, रंग में भंगया भंग में रंग बनारसिया, हर बनारसिया, संग में जंगया जंग में संग बनारसिया, हर बनारसिया। चाल चलाती पर होशियारी जानत यूं तो सब नर नारी, चाल चलाती हर होशियारी जानत यूं तो सब नर नारी, मन के पर भोले भंडारी, मन के पर भोले भंडारी, घाट किनारे उम्र गुजारे, घाट बनारसिया है, घाट बनारसिया, केवल आद्या की पर आद्या जैसे कई सिंगर्स के दिलों की धड़कन है श्रेया घोषाल, और ये बात न केवल इंडियन आइडल के मंच पर साबित हुई
बल्कि ऑडिशन पे आए कई सिंगर्स ने भी जाहिर किया। मुझे ऐसा लगता है कि लता मंगेशकर जी के बाद अगर कोई हिंदुस्तान में बेहतरीन सिंगर है तो सिर्फ और सिर्फ श्रेया घोषाल जी। श्रेया घोषाल मैम जी की वॉइस ऐसी है कि बंगाल की मिठाई अभी कम पड़ जाए उनके साथ। मुझे पता चला जब आज श्रेया घोषाल इज गोइंग टू बी द जज, मैंने आज कसम खाई कि मैं मीठा खाना छोड़ दूंगी। आई लव स्वीट्स, आई लव चॉकलेट्स, मैं चॉकलेट खाना छोड़ दूंगी, मुझे बस उनसे मिलना है। श्रेया मैम मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जी, मैं घर पर पड़ा पड़ा उनकी वीडियो देखता रहूं। एंड भाई यू नो श्रेया मैम तो वैसे भी कतई जहर है दिखने में, और मेरी क्या वो तो सबकी फेवरेट है। अपनी मेहनत से सबके दिलों में मशाल जलाते हैं, अपने हौसलों से न जाने कितनों को हिम्मत दे जाते हैं, अपनी जिद से जुनून का असली मतलब सबको सिखाते हैं। सची तो कहते हैं ऐसे आइडल्स ही तो इंडिया चलाते हैं, इंडियन आइडल। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।